क्या आपके बाल झड़ते हैं, या आपको किसी तरह की जोड़ों के दर्द की समस्या है, या अस्थमा की, या फिर आपकी बॉडी में दर्द रहता है। दोस्तों आपको आज की वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके झड़ते हुए बालों का आज एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उसका भी बढ़िया इलाज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहें ताकि आप जान सके कि बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर कैसे रोक सकते हैं, और वो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के जरिए। दोस्तों जिस चीज के मैं बात कर रहा हूँ उसे धर्मों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है। भगवान शिव के भक्त उन्हें खुश करने के लिए कई तरह की चीजें उनको चढ़ाते हैं, वो चीजें जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इनमें एक चीज है दोस्तों धतूरा। धतूरा एक ऐसी चीज है जो भगवान शिव को बहुत ही पसंद है। धतूरे के फूल भी उनको चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धर्मों में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। वैसे हम धतूरे के बारे में ये समझते हैं कि धतूरा जहर समान होता है, इसलिए धतूरे से दूर रहें। लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए कि कोई भी चीज जो धर्मों में इस्तेमाल होती है अगर वो हमारे लिए बुरी है तो उसे धर्मों में शामिल किया ही नहीं जाना चाहिए था। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। आप देखिए धर्मों में नारियल का इस्तेमाल होता है। कोई भी पूजा हो नारियल के बिना वो पूरी होती नहीं है। घर में अगर कभी भी शगुन करना हो तो नारियल दिया जाता है। क्या आपको पता है कि नारियल को श्री फल कहा जाता है, एक ऐसा फल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। नारियल एक औषधि है। इसी तरह से दोस्तों लौंग हो, इलायची हो या सुपारी हो, ये सब चीजें धर्मों में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन चीजों के फायदे हैं तभी तो इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। इसीलिए दोस्तों धतूरे की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि धतूरा थोड़ा जहरीला होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए आपको थोड़ा ध्यान बरतना है, क्योंकि धतूरे को आयुर्वेद में विष की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए थोड़ा ध्यान से धतूरे का इस्तेमाल करें। तो ये दोस्तों जानते हैं कि धतूरे के जरिए कैसे बालों का झड़ना रोका जा सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर आपके सिर पर गंजापन भी आ चुका है तो आप क्या कीजिए, धतूरे का रस निकाल लीजिए और इस रस से अपने बालों के अंदर मालिश कीजिए। हफ्ते में दो बार ऐसा कीजिए और एक महीने के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके सिर पर गंजापन है तो बाल भी आने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 महीने इस ट्रीटमेंट को करना होगा। दोस्तों दरअसल धतूरा जो है वो हमारे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारे बाल जो है वो झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों को न्यूट्रिशन मिलने लगता है, जिससे कि नए बाल भी उगने लगते हैं। दोस्तों अगर आप हेयर फॉल का सोल्यूशन चाहते हैं तो धतूरा आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अस्थमा से परेशान है तो उसके लिए धतूरा बहुत ही अच्छा है। आजकल के पोल्यूटेड एनवायरमेंट और हमारे गलत खान पान की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगर आप अस्थमा से छुटकारा चाहते हैं तो आप धतूरे की भस्म बना लीजिए, यानी कि उसकी राख बना लीजिए। धतूरे की राख को 1/2 ग्राम आपको शहद के साथ सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा करने से अस्थमा की प्रॉब्लम से 1 से 2 महीने में ही आराम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी भी स्किन पर दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम हो तो धतूरे की पत्तियों का रस बनाकर उसे अपनी स्किन पर लगाइए, आपकी दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर बॉडी में कहीं भी सूजन हो तो सूजन वाली जगह पर आप धतूरे का रस लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी है तो उनको धतूरे के बीज के तेल से अपनी बॉडी की मालिश करनी चाहिए, इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से आराम मिलता है। देखिए दोस्तों धतूरा इतना अच्छा है इसीलिए धतूरे को धर्मों में शामिल किया गया। तो आप जो है धर्मों के अंदर बताई जाने वाली चीजों को जरूर इस्तेमाल में लेकर आएं। ये मत समझें कि धर्म अंधविश्वास है। दरअसल धर्मों में ये भी कहा जाता है कि आपको एक दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, और हम कहते हैं अरे भूखे रहने से क्या होगा। मैं कहता हूं एक बार भूखे रहकर तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भूखे रहने से होगा क्या। दरअसल दोस्तों जब हम भूखे रहते हैं उस समय ही हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब जब हम सारा दिन खाते रहते हैं तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जिस दिन आप फास्ट करते हैं उस दिन आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए लेकिन आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी क्या करेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको वो तोड़ने लगेगी। अगर आपकी बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं उनको वो खत्म करने लगेगी ताकि उसे एनर्जी के रूप में यूज कर सके। इसीलिए अगर आप फास्टिंग करते हैं यानी कि उपवास रखते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं वो बाहर निकलने लगती हैं। इसीलिए तो धर्मों में कहा गया कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन हमने सोचा कि भगवान शिव के नाम पर व्रत रखने से क्या होगा, क्या होगा बजरंग बली के नाम पर अगर व्रत रखते हैं। मेरा दोस्तों सिर्फ कहने का इतना सा मकसद है कि अगर आप धर्मों को मानते हैं तो उनमें बताई जाने वाली चीजों में आयुर्वेद भी छिपा हुआ है। अगर आप धर्मों से जुड़े रहते हैं तो जाने अनजाने में आप आयुर्वेद के नियमों का पालन कर लेते हैं, जिससे
ही आप स्वस्थ रहते हैं। अब हमें कहा जाता है कि हमें खाली पेट मंदिर जाना चाहिए, हमें नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों नंगे पांव मंदिर जाने का मकसद एक ये है कि हम लोग हमेशा चप्पल पहनकर रखते हैं, जिससे होता क्या है कि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमारे पांव पर किसी तरह के भी नुकीले कंकर नहीं लगते, लेकिन ये लगने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पांव के नीचे सब तरह की नसें होती हैं, नसों के पॉइंट्स हैं, उनको दबाना जरूरी है। लेकिन जब आप नंगे पांव मंदिर जाते हैं तो उस समय आपके जो पांव के नीचे के जो एक्यूप्रेशन पॉइंट्स हैं वो दबते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। अब खाली पेट मंदिर जाने का मकसद है कि जब आप खाली पेट मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाकर जो आपको प्रसाद मिलता है उसे खाली पेट खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब मंदिर जाने पर प्रसाद क्या मिलता है? माखन मिश्री का। मंदिर जाने पर आपको लौंग का, इलायची का ये प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है। ये सारी चीजें आपको खाली पेट ही खानी है ताकि हमारी बॉडी को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आयुर्वेद और धर्मों को जोड़ा गया ताकि हम लोग इन चीजों को अपनाएं और जिंदगी में स्वस्थ रहें। क्योंकि पुराने जमाने में यानी कि हजारों साल पहले कोई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग भी धर्मों को बहुत मानते थे, जिस कारण से आयुर्वेद को धर्मों से जोड़ दिया गया ताकि जाने अनजाने में ही लोग स्वस्थ रहें। लेकिन हम लोग आजकल खुद को मॉडर्न मानते हैं, इसलिए हम लोग धर्मों को अंधविश्वास समझते हैं। प्लीज आप इन बातों को समझें। तो दोस्तों अगर कहा जाता है कि सैटरडे को आपको पीपल के नीचे दिया जगाना है, इसका भी कोई मकसद है। पीपल हमारे लिए बहुत अच्छा है, पीपल भी एक औषधीय वृक्ष है। अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे तो हम तो इन पौधों को काटते ही रहेंगे। आपने देखा ही होगा कि आजकल हम लोग कितने पेड़ काट रहे हैं, लेकिन वही अगर कहीं पर पीपल का पेड़ लगा है तो एक बार तो हमारे मन में ये आता ही है, चाहे डर से कहिए, कि हमें पीपल को नहीं उखाड़ना। क्योंकि धर्मों में ये जोड़ दिया गया कि जो इंसान पीपल उखाड़ता है वो इंसान नरक में जाता है। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। तुलसी को आंगन में लगाने के लिए कहा गया, इसका भी मकसद है। तुलसी आंगन में लगेगी तो आप इसकी पूजा करेंगे। तुलसी पूजा करने का क्या मकसद है कि ये जो तुलसी है ये औषधीय गुणों से भरपूर है, इसकी पूजा करो, ना कि इसे उखाड़ कर फेंको। आप बुखार होने पर पैरासिटामोल लेते हैं, जरूरत नहीं है। आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा गर्म कीजिए और हल्का सा शहद मिलाकर उसे सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए, आपका डेंगू तक का बुखार ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं है आपको पैरासिटामोल जैसी टैबलेट्स लेने की। इसीलिए तो कहा गया कि तुलसी को घर के आंगन में लगाओ। तुलसी के आसपास कभी भी डेंगू मलेरिया के मच्छर नहीं आते, इसीलिए जब आप तुलसी को आंगन में लगाते हैं तो आपके घर के अंदर मच्छर प्रवेश नहीं करते, जिससे कि आप डेंगू जैसी बीमारी से बचे रहते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप इन चीजों को समझें। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे दादा दादी और हमारे नाना नानी जानते हैं, उनको पता है कि पेड़ पौधों के क्या फायदे हैं, हमारे घर में पड़ी हुई चीजों के क्या फायदे हैं, धतूरे के क्या फायदे हैं। लेकिन हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठें और उनसे पूछें कि हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम जब किसी के पास जाते हैं तो ये तो कह देते हैं कि पुराने जमाने में लोग बड़े स्वस्थ थे। अब पुराने जमाने के लोग आपके घरों में ही हैं, उनसे पूछिए कि स्वस्थ कैसे रहना है, या फिर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप जानते रहें कि कैसे घर में पड़ी हुई चीजों से स्वस्थ रहें और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। अगर आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो आप खुद में डॉक्टर बन सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। हमारी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को WhatsApp के ग्रुप्स में या Facebook के पेज पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।